Hello, students, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video, we are going to start with a very interesting story written by O. Henry. The name of the story is The Ransom of Red Chief, which is the sixth chapter of your English Channel Literature Reader book. Now, before we start the story, let's read about our author. ओ हेनरी वोजन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे अमेरिकन थे ये स्टोरीज आर यूमरक यूमरस और आयरनिक एंड ऑफन एंडिंग्स तो ये जाने ही इसलिए चाहते हैं कि इनकी जितनी भी स्टोरीज होती है या तो उसमें कुछ कॉमिक होता है बहुत यूमरस होती है या कुछ आयरनी होती है मतलब आप सोचते कुछ हो, हो कुछ और जाता है और हमेशा इनकी जो एंडिंग्स होती हैं इनमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट होता है His works have been widely translated and adapted for films and television. उन्होंने जो stories लिखी हैं, उनके ऊपर movies बनी हैं, उनके ऊपर web series बनी है, short series बनी है, तो television में और films में इनको adapt किया हुआ है. Now, I am going to tell you that we are reading a story जिसमें दो kidnappers हैं, बड़े खूखार से, और वो एक बच्चे को kidnap कर लेते हैं, जो सिर्फ 10 साल का है. लेकिन उनके साथ क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी में सो लेट्स बिगिन इट लुक्ड लाइक अ गुड थिंग बट वेट टिल आई टेल यू वी वर डाउन साउथ इन अ टाउन कॉल्ड समिट एंड अलावा बिल डिस एंड माई सो बिल डिस एंड माई व्हेन एंड दिस किडनेपिंग आइडिया सो ही टॉकिंग अबाउट टू पीपल हाउ डिड दुक लाइक अ गुड थिंग हमें लगा बहुत सही प्लान है बट वेट टिलो जब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा सो so, हम लोग कहाँ पे है हम लोग एक सिटी में है समिट इन अलाबामा साउथ में एक जो है हम लोग डाउन साउथ में है अलाबामा में देर इज अमिट वहां पर हम समिट मतलब क्या होता है कोई ऊंचाई कोई चोटी की जगह बिल ड्रिस कॉल एंड माई सेल्फ वेन दिस किडने स्ट्रक अस तो हम यहाँ दो लोगों की बात कर रहे हैं इज इज बिल एंड द पर्सन और इन्हें एक आइडिया आता है जहां ये डिसाइड करते हैं कि बॉस अब हमें करनी चाहिए Which means कि ये जो दोनों लोग हैं इनको पैसों की जरूरत है कुछ इलीगल काम करने के लिए बट दे नीड सम मनी अब वो मनी के लिए क्या किया इन्होंने इन्होंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं अपन एक किडनेपिंग करते हैं आर विक्टिम वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ परमेंट सिटीजन नेम्ड एबन डोसिट हमारा जो विक्टिम था मतलब जिसको हम किडनैप करने वाले थे वो कौन था वो एक लौता बच्चा था एक प्रॉमिनेंट सिटीजन का प्रॉमिनेंट मतलब वेल नोन सिटीजन जो रिच है जिसको बहुत ज़्यादा जिसकी रेपुटेशन है उनका नाम है मिस्टर डॉसिट मिस्टर डॉसेट का एक लौता बेटा दस साल का उसको हमने सोचा अगर हम इसे किडनैप कर लेंगे तो हमें तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उंड सो यहाँ पे बेस्ट रिलीफल्स मतलब उसके जो थे फ्रेकल्स थे ऐसे ऐसे खड़े खड़े उसके जो थे ना छोटे छोटे जो बाल ऐसे होते हैं वो फेकल्स थे एंड उसके लाल बाल थे बिल एंड आई फिगर्ड दट Would pay a ransom of अब इन्हें कितने पैसे चाहिए थे इनको दो हजार डॉलर चाहिए थे अब उसने सोचा कि एबनजा जो है वो पक्का जो है ये रैंसम रैंसम मतलब क्या होता है जैसे आप किसी को किडनैप करते हो तो जो आप अमाउंट मांगते हो उसको रिटर्न करने के बदले में उसको बोलते हैं रैंसम तो यहाँ उसने सोचा कि उन लोगों ने सोचा ये दो हजार डॉलर्स तो पे कर ही देगा बट वेट टिल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त About two miles from summit was a little mountain cave where we stored some provisions. तो इन्होंने क्या किया समिट जहाँ पे वो थे वहाँ से दो माइल आगे मतलब ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट सिक्स किलोमीटर्स आगे एक छोटा सा माउंटेन केव था वेर वी स्टोर सम प्रोविशन तो उस केव में इन्होंने अपने खाने वाने का थोड़ा सामान रख लिया रहने का इंतजाम कर लिया

और बच्चे क्या तुम्हें एक नाइस nice राइड पे जाना है द बॉय कॉट बिल्ली नीटली इन द आई विद अ पीस ऑफ रॉक और बॉय ने क्या किया जैसे उसने पूछा अरे बच्चे तुम हमारे साथ घूमने जाओगे उसने एक पत्थर उठाया और उसको मारा उसकी आंख पे लगा कहा किसकी बिल की आंख पे लगा दिस विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा फाइव हंड्रेड डॉलर सेट बिल और बिल्ली ने गुस्से में क्या बोला अब इसकी वजह से ये जो इसके बेटे ने मुझे मारा है आंख पे इसकी वजह से मैं इससे पांच सौ डॉलर और लूंगा The that boy put up a fight, but at last we took him up to the cave. तो so, अब इन लोगों ने जैसे उसे किडनेप किया इसको जबरदस्ती उठाया तो ही पुटअप अ फाइट मतलब उसने बहुत कोशिश करी कि वो ना जाए लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उठाया और उसको केव में लेके आ गए

उसने क्या किया जिस बगी में वो लोग लेने आए थे इसको बग्गी का मतलब क्या होता है एक स्मॉल ओपन मोटर व्हीकल मतलब उसमें जो है छज्जा जैसा नहीं होता टोंगा टांग, जैसा होता है तो वो जो बग्गी थी उसको उन्होंने वापस कर दिया जहाँ पे ये उस बच्चे को उठा के लेके आए थे और जब वो वापस आया तो देखा कि जो बिल था वो अपने स्क्रैचेस के ऊपर जो है उसको प्लास्टर कर रहा था मतलब उसे कवर कर रहा था उस पर बैंडेज लगा रहा था और जो उसको ब्रूजेस थे ब्रूजेस मतलब जो घाव थे उसके जो वूनस थे उनको जो फेस पे मतलब बच्चे ने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्क्रैच कर दिया तो उसको घाव हो गए फेस पे तो वो उसको कवर कर रहा था और बच्चा क्या कर रहा था ही अ पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफी तो सामने कॉफी जो है उबल रही थी एक पॉट में वो उसको देख रहा था और टू बजर्ड टेल फेदर्स टक इन थीड तो इसमें यहाँ पे एक जो वल्चर जैसे जो एक बड़ी सी बोर्ड होती है उसके दो फेदर्स थे उसने अपने रेड हेयर में लगा लिए थे नाउ वेन आई केम अप ही अपट और जैसे ही मैं अंदर गया केव के तो उसने क्या कहा मुझे Ha! Huh, cursed pale face! Do you dare to enter the camp of their chief? तो ऐसा लग रहा था अब वो यहाँ पे गेम खेलने लग गया था वो बच्चा ने बोला ओह oh, तुम कर्स्ड पेल फेस कर्स्ड पेल फेस मतलब तुम्हारा तो चेहरा एकदम ऐसा पेल है एकदम कलर उतरा हुआ ऐसा लग रहा है तुमको श्राप मिला हुआ है तो यू कस्ट पेल फेस क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम रेड के चीफ के केव में एंटर करने की कोशिश करना चाहते हो हे इज ऑल राइट नाव सेट बिल वी आर प्लेइंग इंडियन तो उसने बोला बिल ने क्या बोला अब वो अपना चेहरे को प्लास्टिक कर रहा था तो उसने बोला ठीक है अब वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा इनफैक्ट हम गेम खेल रहे हैं इंडियन नाव उसने बोला कि आई एम द ओल्ड हैंक द ट्रैपर मैं ओल्ड हैंक हूँ अब इंडियन गेम में कुछ कैरेक्टर्स थे तो इंडियन जैसे यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहा है तो इट्स लाइक अ स्टोरी तो इंडियन में वो जो है बिल है वो बिल क्या बना है ओल्ड हैंक द ट्रैपर और ये जो बच्चा है वो क्या है रेड चीफ और रेड चीफ ने किडनैप कर लिया है ओल्ड हैंक को बाय गॉड दैट किड कैन किक हार्ड फिर उसने क्या बोला हे hey भगवान ये लड़का जो है बहुत जोर से किक करता है यस सर दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ और वहां उस बच्चे को देखकर लग रहा था कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है ऐसा लग रहा है वो किसी पिकनिक पे आया हुआ है द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव हैड मेड हिम forget दैट ही was अ कैप्टिव himself. He ही कॉल्ड मी स्नेक आई द स्पाई तो उसने क्या बोला अब वो बता रहा है कि जो वो बच्चा था उसको उसको मजा आ गया उसको लगा वाओ वो आउट कैंप एक केव में कैंप कर रहा है उसने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया था तो वो भूल गया कि वो एक कैप्टिव है कैप्टिव का मतलब जो बंदी बना लेते हो आप जिसको जैसे आप किडनैप कर लेते हो तो वो भूल गया कि वो कैप्टिव है और वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा था उसने मुझे भी एक नाम दिया क्या नाम दिया स्नेक आई द स्पाई तो अब आपके इसमें पास इंडियन वाली जो ये स्टोरी है इसमें थ्री कैरेक्टर्स हैं एक है ओल्ड हैंक उसके अलावा रेड चीफ एंड देन यू हैव द स्पाई वी हैड सपर तो इन तीनों ने मिलकर डिनर किया ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ बेकन एंड ब्रेड एंड ग्रेवी एंड बिगेन टू टॉक अब जो तो छोटा बच्चा था उसने अपने मुंह पर पूरा खाना भर लिया बेकन भर लिया ब्रेड भर लिया पूरी ग्रेवी भर ली एंड देन ही सपोज टू डू दिस वेन वी हैव आर माउथ फिल्ड विद फूड नो वी आर नॉट बट दिस बॉय ही स्टार्टेड दट I like this fine. I never camped out before. उसने बोला मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैंने तो आज तक इससे पहले कभी भी केव में कैंप ही नहीं किया। I hate to go to school. Are there any real Indians in these woods? तो उसने क्या बोला मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे कुछ रियल इंडियंस होंगे क्या इस फॉरेस्ट में? <coughs> I want some more gravy. What makes your nose so red, Hank? Now this boy was a question mark. वॉज कंटिन्यूसली पे रियल इंडियंस है क्या मुझे और ग्रेवी मिल सकती है तो माई नोट जो है इतनी रेड क्यों है माई फादर हैज लॉर्ड ऑफ मनी मेरे पापा के पास बहुत पैसा है नाउ एंड देन ही वु लेट आउट वू दैट मेड ओल हैंंग द्रैपर्स शिवर और अचानक से बीच में है ना वह ऐसे वॉल हुप करने लग जाता था मतलब वॉल का मतलब जोर से चिल्लाने लग जाता था जिसकी वजह से बिल्ली बिल जो था वो एकदम शिवर कर जाता था कि अब भाई इसको क्या हो गया रेड चीफ सेट आई टू द बॉय वुड यू लाइक टू गो होम तो अब मैंने क्या बोला रेड चीफ तुम घर जाना चाहोगे Oh, what for? Said he. I don't have any fun at home. You won't take me back home again. Snake eye, will you? तो उसने क्या बोला है घर मुझे नहीं जाना घर क्यों लेके जाओगी तुम्हें मुझे वहां बिल्कुल मजा नहीं आता फिर वो बोलता है स्नेक आए तुम तो मुझे घर तो नहीं लेके जाओगे ना नॉट राइट अवे सेड आए मैंने बोला अब भी तो नहीं लेके जाऊंगा

तो जैसे ही मैंने नींद खुली जैसे ही मैंने देखा कि क्या हो रहा है बिल ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तो मैंने देखा जो रेड चीफ था वो बिल के ऊपर उसके चेस्ट पे बैठा हुआ था और एक हाथ से उसने उसके पूरे बाल पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में उसके चाकू था इन द अदर ही शार्प नाइफ एंड ट्राइंग टू टेक बिल्स कैल्प उसके हाथ में चाकू था और वो क्या कर रहा था उसके बिल के जो है सर को काटने की कोशिश कर रहा था आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड बट फ्रॉम दैट मोमेंट spirit was ब्रोकन तो मैंने जो है उसको पकड़ा उसके हाथ से चाकू छुड़ा लिया लेकिन उसके बाद बिल तो बहुत ही ज्यादा डर गया था एंड इट ऑफुल अब ये जो हमारे पास दो लोग हैं एक का नाम है बिल दूसरे का नाम है सैम उसने बोला यार ये कितनी बुरी बात है सेट बिल डू यू थिंक एनी बडी विल पे आउट मनी टू गेट अ एम्प लाइक दैट बैक होम उसने बोला तुम्हें सचमुच लगता है कि ऐसे इम्प इम्प का मतलब क्या होता है एक स्मॉल मिस्चीवियस डेविल मतलब शैतान ऐसे शैतान के बच्चे को कोई घर वापस लेना चाहेगा क्या ड्स sure, हाँ हो. like uh, तो uh, होते हैं जाउड़ी का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा नॉइजी और डिसऑर्डर्ड जो होते हैं जो शैतानी करते रहते हैं तो ये ऐसे राउडी किड्स जो होते हैं उनके बच्चे उनको ज्यादा प्यार करते हैं डोट मतलब उनको ज्यादा अडोर करते हैं आई वेंट अप टू दीक ऑफ द माउंटेन अब मैं माउंटेन के पीक पे गया ओवर टूवर्ड्स जो है उसकी चोटी पे गया और वहां पर जाके आई एक्सपेक्टेड टू सी पीपल फ्रॉम दिलेज बीटिंग द कंट्री साइड फॉर द किडनेपर्स मुझे क्या लगा अब बच्चा तो गायब हो गया है मुझे लगा बस वहां पर हलचल मच गई होगी और सब लोगों को पकड़ के मार रहे होंगे की कहाँ है बच्चा और यू नो ढूंढ के लेके आओ वहां तो एकदम कोदाम मच गया होगा बट What I saw was a peaceful landscape. लेकिन मैंने देखा कि वहां तो कोई हलचल नहीं हो रही इट वॉज ऑल पीसफुल्ड द बॉय स्वेटनिंग टू स्मैश बिल विद जैसे ही मैं पहुंचा वापस गुफा में गया मैंने देखा वो जो बच्चा है वो फिर एक उसने एक पत्थर उठाया हुआ है और वो बिल को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा जो है तुम्हारे सर पे दे मार दूँगा पत्थर

और जैसे ही मैंने उसको मारा उसने पत्थर उठा, उठा लिया अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है आई टुक द ज़ॉक अवे फ्रॉम द बॉय आई विल फिक्स यू सेड द बॉय टू बिल तो मैंने उसके बच्चे के हाथ में से पत्थर लिया उस बच्चे ने बिल को धमकी क्या दी मैं तुमको देख लूंगा नो मैन एवर येट स्ट्रक द रेड चीफ बट व्हाट ही गॉट

यू डोंट थिंक ही विल रन वेम तुम्हें नहीं लगता ना वो भाग जाएगा तुम्हें लगता है वो भाग जाएगा नो फीयर ऑफ इट सैम ने क्या बोला अरे बिल्कुल इस बात का डर नहीं है टू थाउजेंड डॉलर फॉर हिस्स बिटन लेकिन आज रात को बोले मुझे नहीं लगता वो लड़का भागेगा लेकिन आज रात को हमको एक रैंसम लेटर लिख के उसके फादर को पहुंचाना पड़ेगा जिसमें हम लिखेंगे कि हमें टू थाउजेंड डॉलर चाहिए तुम्हारे बेटे को Uh, वापस करने के बदले जस्ट देन वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉर बूप तभी क्या हुआ वो बच्चा फिर से उसने एक किया एकदम जोश में चिल्लाया वो आई डॉज एंड हर्ड अवी थर्ड आई डॉज मतलब मैं झुका अपने आप को बचाने के लिए और एक धड़ाम की आवाज आई अ रॉक हैड कॉट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर और उसने क्या किया एक रॉक लिया और बिल को दे मारा और बिल को जस्ट उसके जो है यहाँ पे लेफ्ट ईयर के पीछे जो है जोर से लगी ही फेल इन द फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट water. और जैसे ही उसको लगी तो बिल गिरा और कहाँ गिरा बिल अक्रॉस द फ्राइंग पैन एक जो फ्राइंग पैन था जिसमें गर्म पानी रखा हुआ था वो उसमें गिर गया आई ड्रैग दिम आउट एंड पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिस हैड मैंने तुरंत उसको वहाँ से निकाला थंडा ठंडा पानी उसके सर पर डाला क्योंकि वो तो गर्म पानी में गिर गया था जल सा होगा उसको वैन बिल सेट आप ही सेट जैसे ही बिल उठा वापस उसने बोला यू वोंट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू सैम उसने बोला अब तुम इस बच्चे के साथ मुझे अकेला तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम नहीं जाओगे ना सैम सो आई वेंट आउट and caught that boy and shook him until his freckles rattled मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया तो मैं बाहर गया उस बच्चे को पकड़ा उसको हिलाया मतलब उसको शूक किया until his freckles rattled तब तक जब उसके पूरे बाल ऐसे ऐसे करके हिल गए थे if you don't behave i will take you straight home अब धमकी बदल गई थी यहाँ पे आपने जिसको किडनैप किया है आप उसको क्या बोलते हो मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं तुम्हें कभी घर नहीं जाने दूंगा यहां किडनैपर्स बोलते हैं अगर तुमने अब और शैतानी करी तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा I made him and and Bill shake hands and said, now we will write the letter to Old Dorset. फिर मैंने दोनों की सुलह करवाई दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बोला अब मैं जो हूँ इसके फादर को लेटर लिखता हूँ up and down guarding the mouth of the cave. तो Bill और I, मतलब Bill और Sam ने मिलकर वो जो पूरा रैनसम लेटर है उसको फ्रेम किया उसको लिखा और उस वक्त Red Chief क्या कर रहा था वो जो है पहरा देता था कि कोई केव के अंदर ना आ जाए द लेटर रैन दिस वे अब उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें ये लिखा हुआ था एबनेजर वी हैव योर बॉय वी डिमांड फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर इन लार्ज बिल्स फॉर हिज रिटर्न द मनी इज टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट टू नाइट एट द सेम स्पॉट एंड इन द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एज हियर एंड आफ्टर डिस्क्राइब्ड तो उसने क्या बोला हमारे पास तुम्हारा बेटा है। अगर तुम चाहते हो कि हम उसे वापस कर दें, तो हमें डॉलर दो इनिशियली क्या बात हुई थी कि टू थाउजेंड डॉलर चाहिए लेकिन उनको लगा इस बच्चे के लिए पता नहीं पंद्रह सो डॉलर कोई देगा या नहीं देगा तो उन्होंने अपना रैनसम अमाउंट ही कम कर दिया उसने बोला हमें फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर चाहिए इन लार्ज बिल्स मतलब बिग um, डिनोमिनेशन में मतलब जैसे कि अगर हम बिल मतलब यहाँ नोट की बात हो रही है तो जैसे हमें को दो हजार दो हजार के नोट चाहिए तो मतलब बड़े बड़े बिल में बड़े बड़े नोट में बड़ा नंबर में चाहिए द मनी इज टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट टू नाइट आज रात को आपको जो पैसा है वो छोड़ना पड़ेगा एट द सेम स्पॉट एंड इन द सेम बॉक्स एज योअर रिप्लाई मतलब जहाँ आपको ये लेटर मिलेगा उसी में आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा एज योर रिप्लाई एज हेयर एन आफ्टर डिस्क्राइब तो जैसे मैं आपको जो इस डॉक्यूमेंट में जो बता रहा हूं वैसे ही आपको रखना पड़ेगा इफ यू अग्री टू दीज टर्म्स अगर आप हमारी बात मानते हो मतलब मैसेंजर टू नाइट एक मैसेंजर के थ्रो तो अपना आंसर आज आप भेज सकते हो एट है क्लॉक मतलब साढ़े आठ बजे आफ्टर क्रॉसिंग आउल क्रिक आउल क्रीक को क्रॉस करने के बाद ऑन द रोड टू पॉपुलर कोव पॉपुलर केव तो जो पॉपुलर केव है वहां पे देर आर थ्री लार्ज ट्रीज वहां पे तीन बड़े बड़े पेड़ हैं ऑपोजिट द थर्ड ट्री विल बी अ बॉक्स और थर्ड ट्री के जस्ट ऑपोजिट एक बॉक्स रखा होगा द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन दिस बॉक्स आपका जो मैसेंजर है उसको पूरा जो आपका रिप्लाई है कि आप दोगे नहीं दोगे आप क्या करोगे वो इस बैक बॉक्स में डालना पड़ेगा एंड रिटर्न इमिडिएटली टू समिट और वो तुरंत वहां से चला जाएगा

हो आई पुट द लेटर इन माई पॉकेट मैंने वो लेटर जो था अपनी पॉकेट में डाला वॉकड ओवर द पॉपुलर केव एंड पॉपुलर केव एंड पोस्टेड माई लेटर सुपर सरप सरपट्टिशियसली अब उसने क्या बोला कि मैंने वो लेटर अपनी पॉकेट में डाला मैं पॉपुलर केव तक गया और वहाँ जाके उस लेटर को मैंने सीक्रेटली पोस्ट कर दिया

बैक एट द केव आई ओपन डिट मुझे वो नोट मिल गया फिर मैं केव पे गया और वहां जाके मैंने ओपन किया क्या लिखा था उसमें टू डस्परेट मैन जेंटलमैन आई रिसीव्ड यूर लेटर टूडे की जेंटलमैन मतलब अब वो किडनेपर्स को जेंटलमैन कह रहा है ठीक है मुझे आज आप लोग का लेटर मिला इन रिगार्ड टू द रें फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन तो तुम जो ये बात कर रहे हो कि मेरे बच्चे को वापस करने के लिए तुम तो मुझसे जो पैसा मांग रहे हो आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रपोजिशन मैं तुमको एक दूसरा ऑफर देता हूँ यू ब्रिंक जॉनी होम एंड पे मी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर एंड आई विल अग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स तो तुम अब मैं मैं तुमको बता रहा हूँ तुम मुझे ढाई सौ रुपये ढाई सौ डॉलर पे करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जॉनी को तुमसे वापस ले लूँगा वेरी रिस्पेक्टफुली एबनजर डॉसिट उसने क्या बोला तुमने मुझसे ढाई हजार डॉलर हजार मांगे कि मेरे बेटे को वापस करने के लिए तो अब मैं तुम्हें बोलता हूँ तब लूंगा जब तुम मुझे ढाई सौ डॉलर वापस करोगे यहाँ पे दोनों तो ऑलरेडी परेशान है उस से। और नोट में उसके फादर ने क्या लिखा है हाँ मैं जोनी को वापस ले लूंगा लेकिन उसके लिए तुमको क्या ढाई सौ डॉलर मुझे देने पड़ेंगे ग्रेट ऑफ पेंजेंस सेज आई ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट बट आई ग्लैंस

अब बिल जिस तरीके से उसको देख रहा था अपीलिंग का मतलब क्या होता है एकदम बहुत ज्यादा सिंपथी और बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा था उसको समझ में आ गया होगा कि ये बच्चे को उसके फादर बेचारे कैसे बड़ा कर रहे होंगे उन्होंने इस बच्चे ने जो एक दिन में इन लोगों की हालत कर दी उसके फादर की क्या हालत करी होगी सैम वट्स टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू लेट द चन्स गो आर यू उसने सैम से बोला क्योंकि बिल्ली के साथ सबसे ज़्यादा हादसे हुए थे उसने कहा सैम ढाई सौ डॉलर तो कुछ नहीं होते तुम ये ऑफर जाने तो नहीं दोगे ना तुम वापस कर दोगे ना टेल यू द ट्रुथ बिल विल टेक हिम होम पे द रैसम एंड मेक आर गेट अवे उसने बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो हम ना इसको वापस करेंगे अब जो उसका फादर हमसे जो रैनसम मांग रहा है वो रैनसम हम उसे वापस करेंगे और हम वहाँ से भाग जाएंगे

कि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने एक माउंटेड राइफल खरीदी है तो इस तरीके की बहुत बड़ी सी mucassins. Mucassins मतलब क्या है? जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो, जो शूज पहनते, पहनते थे हंटिंग के पहले तो वैसे शूज भी खरीदे हैं और वही हम लेने जा रहे हैं तो तुम वो ले लो और अगले दिन जो है हम बियर्स को हंट करने जाएंगे

उट ही स्टार्टेड अपल एंड फैसन हिमसेल्फ एज टाइट एज अच टू बिल्स लेग्स तो अब क्या हुआ जैसे बच्चे को पता चला की ये लोग मुझे यहाँ पे छोड़ने आए हैं और ये लोग मुझे वापस लेके नहीं जाएंगे तो वो ज़ोर जोर से रोने लग गया और उसने जो है बिल के लेग से अपने आप को ज़ोर से पकड़ लिया जैसे कि लीच होता है जैसे वो जो जो होता है जो आपको जकड़ लेता है वैसे उसने पकड़ लिया हिज फादर पील्ड हिम हवे ग्रेजुअली लाइक अ पोरस प्लास्टर उसके फादर ने उसको ज़ोर से खींचा जैसे कि आपको प्लास्टर लगा होता है तो आप उसको हटाते हो ना तो वैसे ही वो प्लास्टर की तरह उसने उसके फादर ने उसको ज़ोर से खींचा ताकि वो उनसे अलग हो जाए हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्ट बिल बिल ने पूछा आप इस बच्चे को कितनी देर पकड़ सकते हो आई एम नॉट एज स्ट्रांग एज आई यूज टू बी सेडोल्ड ऑस एड बट आई थिंक आई कैन प्रोमिस यू टेन मिनट्स तो उसने पूछा आप इस बच्चे को कितनी देर पकड़ सकते हो उसने बोला अब मैं पहले जितना स्ट्रोंग तो नहीं रखा रहा लेकिन मैं इसको कम से कम दस मिनट तक पकड़ सकता हूँ एंड As 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 fat as Bill was was and and good good I I am, he was a good mile and a mile half out of summit before I could catch up with him. तो जैसे उसके फादर ने बोला कि मैं इसको 10 मिनट तक पकड़ सकता हूँ तो बिल जो था वो बहुत फैट था मोटा था और मैं बहुत अच्छा रनर था लेकिन बिल जो भगा तो वो मुझसे कम से कम डेढ़ किलोमीटर आगे था जब उसके फादर ने बोला बस दस मिनट से ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता तो दोनों जो भगे वहां से बिकॉज़ अदरवाइज़ बॉय वुड हैव कम बैक टू देम सो दैट इज द स्टोरी द रेंडसम ऑफ रेड चीफ जहां पे बेचारे दो पुअर किडनेपर्स जिन्होंने सोचा वो एक बच्चे को किडनेप करेंगे और टू थाउजेंड डॉलर ले लेंगे वो ढाई सौ डॉलर में बच्चे को वापस करके आए That was our story written by O. Henry. I hope you enjoyed it well. In our next video, we are going to see the summary of this chapter along with the question answers. So stay tuned with me. Take care of yourself. Do not forget to like, share, and subscribe. Bye bye.